नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। बुलंदशहर सियाना क्षेत्र में कार चोरों का आतंक, होंडा सिटी कार सहित दो कार और ले उड़े चोर। कार चालकों ने थाने में दी तहरीर। मामला सियाना कोतवाली क्षेत्र के किरण हॉल के पास का है, जहां वली नाम का युवक अपनी होंडा सिटी कार को खड़ी करके रात्रि में घर चला गया था। लेकिन सुबह 4 बजे उसकी होंडा सिटी गाड़ी का लॉक तोड़कर बड़े ही आसानी से चोर लेकर फरार हो गए। इस कार चोर गैंग ने होंडा सिटी सहित दो अन्य कारों पर भी हाथ साफ किया है। वहीं पुलिस की गश्त पर अब सवालिया निशान उठ रहा है। पुलिस दावे करती है कि रात्रि में पुलिस की गश्त चोरों पर रहती है। वहीं ये गाड़ी चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो चुके हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुटी है। क्या नाम है आपका? वली मोहम्मद। क्या मामला हुआ? आपकी गाड़ी चोरी हो गई है। मामला ये है जी, रात 10:45 बजे गाड़ी में खड़ी करके गया, और जब सुबह में 9:30 बजे करीब में आया था, यहाँ गाड़ी नहीं। अब यहाँ जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे जो खंगाले गए हैं, उनमें जो है 4:16 पर एक गाड़ी आई है, और जो 4:30 तक वो गाड़ी वापसी ले गई है। ऐसे ही वो गाड़ी आई है और ऐसे ही वापसी ले गई। तो आपने थाने में तहरीर दी? हाँ जी, थाने में तहरीर दे दी है। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। जी, क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था सर, सुबह जो मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है रेगुलर, जैसे कि होती है सुबह में, तो रात मैंने गाड़ी यहाँ पर खड़ी करी है, और उसके बाद मैं देखा था यहाँ गाड़ी नहीं थी सुबह। तो कौन सी गाड़ी है आपकी? सेंट्रो है, 2008 मॉडल है। तो जो चुराने वाले हैं, मतलब क्या कैसे चुराई उन्होंने गाड़ी? वो ये देखा था हमने सीसीटीवी फुटेज में, यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, जब हम वहाँ से आए तो 5:17 पे वहाँ से यहाँ से गाड़ी निकली है। एक गाड़ी आई है यहाँ से बुलंदशहर साइड से, और यहाँ देवी या मंदिर है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से बैक हुई है गाड़ी, और उसके बाद में दोनों गाड़ी चली हैं साथ साथ ही। तो लगभग कितने लोग होंगे जो चुराने वाले हैं? कुछ लगभग कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कम से कम 2-3-4 तो होंगे ही होंगे। तो थाने में आपने एप्लीकेशन? हाँ, थाने में मैंने एप्लीकेशन दे के आया हूँ। तो पुलिस क्या कह रही है अभी पूरे मामले? पुलिस तो ये कह रही है ना जी, ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन दे जाओ, और उन पर कार्रवाई तो होगी अब जैसे भी है।